हमारी टेरिटोरी यानी हमारा जो सीमा है, जैसे हमारे देश की सीमा है, उस देश की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं, वे उस पर तैनात रहते हैं, और उससे जुड़े हुए जो विदेश, जो दूसरा देश है, वो हमारे पर किसी तरह का घुसपैठ ना कर ले, किसी तरह का आक्रमण करना ले, हमारी तारबंदी के अंदर घुस नहीं जाए, वो घुसपैठी अंदर नहीं आ जावे, कोई तरह की ऐसी हरकत नहीं कर दे जिससे भारत की जो जनता जो देश में रह रही है वो प्रभावित हो, तो सारी चौकन्ने रहते हैं 24 आवर्स जो है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे बरसात हो, उसके अंदर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेह जैसा स्थान, कश्मीर के जैसा, जहां पर बारो मास बर्फ रहती है, वहां पर भी सैनिक जो है कड़ी सुरक्षा के साथ में पहरा देते हैं। जब हम हिंदुस्तान में आराम से रह रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर आनंद की होली खेलते हैं हम, या दीपावली खेलते हैं, दशहरा मनाते हैं, और अपने अपने जीवन के अंदर मस्त रहते हैं, रात के अंदर बड़ी मस्त की जिंदगी हम लेते हैं, लेकिन ये सब हमारी अच्छी दिनचर्या की जो रक्षा करने वाले हैं वो हमारे फ्रंटियर्स के सैनिक है। उसी तरह से हमारे भीतर देश के अंदर जो है शांति बनाए रखने वाले पुलिस है, कमांडो है, और भी जो BSF है वगैरह है, वो भी रक्षा करते हैं कि भीतरी कोई आंतरिक कलह हो जावे, कोई झगड़ा टंटा हो जावे तो उसको रोकती है, जिसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी भारतीय संविधान के अनुसार 3 तरह की सेना है, थल सेना, वायु सेना और नभ सेना। तीनों का एक भारत एक ऐसा संविधान है जिसके अंदर तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अधीन रहती है, वो सेना किसी भी तरह की बगावत नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के अंदर सेना वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो बगावत करते रहते हैं और कभी भी तख्ता पलट देते हैं राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, उनको मार तक भी देते हैं। लेकिन भारतवर्ष एक सुंदर व्यवस्था, सुंदर डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतंत्र का विश्व का सबसे अच्छा उदाहरण है, और विश्व में 20% 125 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो विश्व की जनसंख्या का 20% हम भारतीय, यानी विश्व का हर 5वां नागरिक जो है वो भारतीय है। ये हमारे लिए बहुत क्रेडिट की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही श्रेय की बात है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सैनिक हमारा इतना बड़ा काम करता है और वो कितनी बड़ी रिस्क उठाता है, कभी भी गोली आ जाती है, लड़ते लड़ते वो कभी भी जो अपनी जान गंवा देता है और वो शहीद हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर शहीदों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और हमारे जो भी राष्ट्रीय पर्व है, चाहे 26 जनवरी है, चाहे 15 अगस्त है, उस समय शहीदों को सबसे पहले सलामी दी जाती है, और जो शहीद होता है बकायदा तिरंगे झंडे के अंदर लपेट करके बड़ी आन बान शान के साथ के अंदर जो है सेना के बल के द्वारा जो है दफनाया जाता है, उसकी बड़ी इज्जत करी जाती है, क्योंकि वो शहीद होता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सीमाओं के ऊपर हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें सुरक्षित रखता है। ये सैनिक के बारे में हुई। अब देखिए, भीतरी जो व्यवस्था है, यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस प्रांत के अंदर रहते हैं, उसके अंदर संस्कृति को बचाने वाले कौन है, उसमें संस्कृति को बचाने वाले संत है। संत वह होता है जो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। हमारी इस शरीर के अंदर 3 तरह की चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना होती है, तो स्वार्थ की चेतना क्या होती है कि वो व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाती है और व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहता है और अपने सेंसुअल प्लेजर्स, खाना पीना, ऐश आराम, मौज शौक, घूमना फिरना, और ज्यादा और अधिकतर हो तो अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, और उसका बहुत संकुचित दायरा होता है, उसका चिंतन होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, इस तरीके की उसकी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश की जो है और स्वार्थ की वृत्ति हो जाती है, और कुछ हद तक
ग्रस्त के लिए स्वार्थ भी अच्छा है, क्योंकि उसके शरीर है, उसके परिवार है, उसके समाज है, उसको देश को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इनकम टैक्स के माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से, तो सभी को उसको थोड़ा थोड़ा पे करना होता है। तो इसीलिए कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वार्थी नहीं होता होना चाहिए। दूसरी हमारी चेतना है वो परार्थ की चेतना है, ये मध्यस्थ चेतना है, अच्छी चेतना है, और व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मानव जीवन का लाभ उठाने के लिए तीसरी जो है उच्च जो हमारी जो चेतना उसमें न जा सके तो परार्थ की चेतना में रहना चाहिए। परार्थ की चेतना क्या कहती है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं और सारे स्वयं दूसरे लोग जिए, पूरे सृष्टि के चराचर जगत है वो भी जिए और मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे सभी भाई जिए, सभी भाई आनंद से रहे। सर्वोदय की बात करते हैं हम कि सबका उदय हो और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। और एक तीसरी चेतना होती है परमार्थ की चेतना, उस चेतना में संत लोग आते हैं। मैं उन संतों की बात कर रहा हूं जो कंचन कामिनी छोड़े हुए होते हैं, और जो कंचन कामिनी वाले संत होते हैं वो संत नहीं है, वो दुराग्रही है, वो पाखंडी है, और आजकल उनके कितने 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 जो है वो पर्दाफाश हो रहा है, कितनी कितनी उनकी जो जितने भी जो उनका ढका हुआ है वो सब मालूम पड़ रहा है, उनकी पोल खुल रही है कि वो किस तरीके से अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपराध करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं, और कुल मिलाकर के वो संत कहलाने के लिए लायक नहीं है, और वो संत के नाम पर एक कलंक है।